पागल हो गया क्या? ये क्या करने जा रहा था? मर जाने देता ना यार मुझे, क्यों बचाया? एक चूतिया लड़की के लिए जान देने जा रहा था। एक सौ एक चूते देखे मैंने अपनी लाइफ में, पर तेरी ना बात ही कुछ और है। जवाब नहीं भाई तेरा, एक चिंदी सी लड़की के लिए मरने चला गया था। चिंदी सी लड़की, सही है भाई, जब तेरे पे बीतेगी ना उस दिन पूछूंगा मैं तुझसे। जिस क्लास में तू अभी अभी फेल हुआ है ना, उसे निकले हमें जमाने हो गए। सुन बे रेवड़ी, मेरे पास ना तेरे इस दर्द का एक जाली मिलाज है, चल तू मेरे साथ। कहाँ? एक से एक लड़की अवेलेबल है मार्केट में, हजार दो हजार, जिसे चाहे उसे ले सकता है। दो मिनट में भूल जाएगा उसे। पर्सनल एक्सपीरियंस है यार, ट्रस्ट मी। अपने ऐसा समझ के रखा है क्या? खुद को समझता है क्या बे? प्रॉब्लम क्या है तेरी? मरने गया था, मैंने बचाया तुझको, एहसान किया। देख भाई, मरना है ना तो कुछ करके मर, ऐसे सुखी सुखी मरने में क्या फायदा? Shall we start? हाँ करते हैं ना, क्या जल्दी है? मुझे तो कोई जल्दी नहीं, but I'm booked for only 2 hours. कहीं तेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा पहली बार है तो मैं डायरेक्टली शुरू नहीं कर पाऊंगा। उससे पहले हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए क्या, तो मुझे शुरू करने में इजी होगा। सीरियसली, तेरा फर्स्ट टाइम है? हाँ लगता नहीं है पर हाँ। कोई बात नहीं, तेरा फर्स्ट टाइम यादगार करके जाऊंगी। थैंक्स। बाय द वे, कॉफी पियोगी? कॉफी नहीं यार, कोई अच्छी बियर पिला। बियर तो मैंने खत्म कर दी, विस्की है, चलेगी? चला लूंगी, अभी लाता हूं।
Cheers. Cheers to your virginity. क्या हुआ, हंस क्यों रहे तू? You know what? आज ही मेरा दिल टूटा है। ओह, अब समझी। तो तेरे दोस्त ने तेरा दर्द हल्का करने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा। Right. मैं बहुत सैड था, सोचा सुसाइड कर लूँ। फिर डेविड ने बोला सुसाइड करने से पहले एक बार ये कर ले, तो सुसाइड का ख्याल तेरे दिमाग में नहीं आएगा। हाँ जानती हूँ, तुम जैसे टूटे दिल आशिकों का हम जैसे लड़कियां ही तो सारा होती है। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? तेरी बात का क्या बुरा मानना, पूछ। मैंने प्रोस्टिट्यूट्स को फिल्मों में देखा है, पर तुम बिल्कुल वैसी नहीं लगती। एकदम नॉर्मल लड़की जैसी, ब्यूटीफुल हो, इंग्लिश बोलती हो, मतलब एजुकेटेड भी हो, तो फिर क्यों करती हो ये गंदा काम? गंदा काम? अरे छोड़ ना यार, है कुछ मजबूरियां, तू नहीं समझेगा। अरे बताओ ना, मुझे सच में जानना है। जान के क्या करेगा तू? एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़े से पैसों के लिए कैसे कोई हर रोज अलग अलग मर्दों के साथ सो सकता है। एक बात बता, तेरे फैमिली में कौन कौन है? माँ बाप और मैं। कोई भाई बहन नहीं है? नहीं, मैं इकलौता हूँ। इकलौता है फिर भी सुसाइड करने जा रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि किसी लड़की ने तेरा दिल तोड़ा? मरना तो बहुत आसान होता है यार, कमाल तो वो करते हैं जो जी जाते हैं। मतलब? मतलब मैं तो सिर्फ 18 साल की थी जब मेरे पापा चले गए। पापा तो चले गए पर पीछे छोड़ गए मेरी दो छोटी बहन और एक बीमार माँ। पापा के जाने के बाद सबसे पहला हमारा घर छूटा, फिर मेरा स्कूल छूटा। कुछ दिन मामा ने सहारा दिया, अपने घर में रखा। मुझे लगा मामा देवता है, पर था तो वो इंसान ही, मुझे गंदी नजर से देखता था। एक दिन मौका देख के मुझ पे अपनी हवस मिटा गया। उस दिन पहली बार मैंने एक इंसान को हैवान बनते देखा। उस दिन मैं भी सुसाइड करने गई थी, ट्रेन के सामने कूदने वाली थी कि एक छोटी बच्ची ने मुझे रोका। दो दिन से बहुत भूखी होती थी, कुछ भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी है दीदी, कुछ तो दो ना। उस दिन उस छोटी बच्ची में मुझे अपनी दोनों बहनों का भविष्य नजर आया। मैं घर लौट आई, उसके बाद जब भी मौका मिलता मेरा मामा मुझे आके रौंद के चला जाता। मुझे और मेरे परिवार को दो वक्त की रोटी और सिर पे छत मिल रही थी, इसलिए मैं सब चुपचाप सह रही थी। माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बता सकती थी। एक दिन मामा के साथ एक और मर्द आया था। मामा ने कहा रोज जो मैं करता हूं आज ये करेगा। फिर उस आदमी ने भी मुझ पे अपनी हवस मिटाई, पर जाते वक्त उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे थमाए। उस दिन पता चला मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे मैं पैसा कमा सकती हूँ। फिर उस दिन से मैंने अपना जिस्म बेचना शुरू किया। शुरू शुरू में अजीब लगता था, घिन आती थी खुद पे,
कैसे कैसे लोग मुझे आके रौंद के चले जाते थे, पर वो लोग जब जाते वक्त मेरे हाथ में पैसे रखते थे अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे आदत हो गई। कुछ पैसे इकट्ठा हुए तो दोनों बहनों को स्कूल में भी डाला, माँ का इलाज भी शुरू किया, आज मेरा खुद का घर है। दोनों बहनें अच्छे स्कूल में पढ़ती है, माँ की बीमारी भी कम हुई है, पर उनके इलाज के लिए हर महीने 15,000 से 20,000 रुपए खर्च होते। कभी कभी सोचती हूँ ये सब छोड़ दूँ, घिनाती है अपने आप पे। फिर अपने माँ और बहन के हंसते हुए चेहरे देखकर सब कुछ भूल जाती हूँ। हर एक लड़की अपनी मर्जी से वेश्या नहीं बनती निखिल, उसे वेश्या बनाता है हमारा ये बुजदिल समाज। सॉरी यार, मैं तो कुछ डिटेल में ही बता दी, चलो जिस काम से आई थी वो तो करते। नहीं। क्यों, क्या हुआ? अब ये पाप मुझसे नहीं होगा। अरे तू तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया, ये तो मेरा रोज का है, कोई बात नहीं। नहीं यार लतिका, मैं इंसान हूं, हैवान नहीं। तो तू कुछ करेगा नहीं? पर तूने कुछ किया भी नहीं। आज की रात उधार रही तुझ पे, फिर कभी। ठीक है, पर अगली बार तुझसे पैसे नहीं लूंगी मैं। एक बात बोलूं? बोलना। तू ऐसा पहला मर्द है जिसके साथ मैंने इतनी बातें की, वरना यहाँ हर कोई एक एक मिनट अपना पैसा वसूलने में लगा रहता है। तू बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलके। चल मैं निकलती हूँ, बाय। बाय। अरे लड़की अपनी मर्जी से वेश्या नहीं बनती निखिल, उसे वेश्या बनाता है हमारा ये बुजदिल समाज। अंदर आओ भाई, दरवाजा खुला है। अंदर आ सकता हूँ? अरे तू क्या रे, तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है, आना बैठ। बहुत खुश हुई तुझे देखकर, कैसा है तू? मैं अच्छा हूँ, तू कैसी है? कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही है। पर यहाँ ना कैसे हुआ? दरअसल कुछ काम से आया हूँ मैं यहाँ। मेरे पास लोग सिर्फ एक ही काम से आते हैं। जानता हूँ, मैं भी उसी काम से आया हूँ। एक रात उधार है तुझ पे, याद है ना? अरे हाँ याद है, एक रात क्या, तू चाहे उतनी रातें आ। पर आज नहीं, आज मैं ऑलरेडी बुक्ड हूँ, इनफैक्ट वही के लिए निकल रही थी। मैं तुझे हमेशा के लिए बुक करने आया हूँ लतिका। हमेशा के लिए मतलब? बताता हूँ। मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ? तू जानता ना मैं कौन हूँ और क्या काम करती हूँ। जानता हूँ, तू एक लड़की है जो अपने परिवार को संभालने के लिए अपने जिस्म का धंधा करती है, और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक वेश्या हूँ निखिल, मुझसे शादी करके बर्बाद होगा तू, लोग थूकेंगे तेरे मुंह पे। तो थूकने दो, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, और ये वही लोग हैं
जिन्होंने तुझे वैश्य बनाया है। कहना आसान है निखिल, करना नहीं। करना भी मुश्किल नहीं है, अब जमाना बदल गया है। जब लोग एक पॉर्न स्टार को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो एक प्रोस्टिट्यूट को क्यों नहीं? और तुम्हारे पेरेंट्स, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे एक वेश्या को, उनकी घर की बहू? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे। वो क्या, कोई भी पेरेंट्स नहीं करेंगे, पर ये मेरी जिंदगी है और मेरी जिंदगी के कुछ अहम फैसले लेने का मुझे पूरा अधिकार है। तुम बहुत जल्दबाजी में फैसला ले रहे हो, बाद में पछताओगे। तुमसे शादी करने का ख्याल मेरे मन में उसी दिन आ गया था जब हम पहली बार मिले थे। अगर मैं ये बात उस दिन तुमसे कहता तो शायद जल्दबाजी होती, पर मैंने उसके बाद अपने आप को बहुत टाइम दिया, बहुत सोचा हर एक चीज के बारे में, तभी मैं यहां पर आया हूं। देखो लतिका, मेरा फैसला अटल है, तुम्हारी कहो, मेरी मत सोचो। मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार हूं, माँ का इलाज, बहनों की पढ़ाई, उनकी शादी, हम साथ में मिलके करेंगे। और तुम ये मत सोचना कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूँ, तुम मुझे पसंद भी हो। तो बोलो, करोगी मुझसे शादी? मैंने इंसान को हैवान बनते हुए कई बार देखा है, भगवान बनते हुए आज पहली बार देख रही हूँ। I'm sorry निखिल, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम जवान हो, खूबसूरत हो और एक बहुत अच्छे इंसान हो, पर मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, मेरे जैसे बाजारों नहीं। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझसे मिले और मुझे इतनी इज्जत दी। अब मुझे किससे कोई शिकायत नहीं। मैं समझ सकता हूं लतिका, अगला जन्म मिला तो मैं जरूर करूंगी तुझसे शादी। जा तो अब, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर तुझे मेरी जरूरत पड़ी ना तो मुझे जरूर याद करना। हाँ करूंगी। जख्म घाव खरोच कहना कम है, रूह जलाई उसने अपना घर चलाने के लिए। रोज सच्ची है दुल्हन की तरह वो बिंदी गजरा लगाती है, जो लुट जाती है चंद रुपयों में वो तवाए फैलाती है। शादी के जोड़े में सजी लतिका जालिमों के बिस्तर पर करवटे बदलती है। हर इन्हें मरघट में कोई क्या जलाएगा, इनके अंदर तो रोज मरघटे जलती है। एक्शन टेक 6:18। हे गाइस, तो बताओ फिर कैसे लगी फिल्म? अरे हमको ये लगता है कि अच्छी लगी रहेगी, बट अब जब ये लोग कमेंट सेक्शन में गालियां लिखेंगे ना तब पता चलेगा तुम लोगों को इनको कितनी अच्छी लगी होगी। अरे रिलैक्स, कुछ लोग देते हैं गालियां पर ज्यादातर लोगों को फिल्में हमारी अच्छी लगती है। और आपको अगर अच्छी लगी रहेगी तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। Behind the scenes वहीं पे रहते हैं। Okay.